दरकछार पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। असम मिजोरम के लैलापुर में पहले लोगों ने नाबालिग को रंगे हाथों पकड़ा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर नए खुलासे हुए हैं। यहां पता चला है कि नाबालिग का पिता उसे ड्रग्स तस्करी के धंधे में इस्तेमाल कर रहा था। नाबालिग ने बताया कि वह ताजुद्दीन लश्कर नाम के एक व्यक्ति के घर से ड्रग्स लेकर आया था। वहीं इस मामले पर कछार की एसपी डॉक्टर रमनदीप कौर ने कहा कि पुलिस को अंधेरे में रखने के लिए ड्रग्स तस्कर नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। एसपी ने बताया कि नाबालिग से पूछताछ में कई नाम भी सामने आए हैं। আমরা সব খুশি আর আমরা সব।